कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं करम कांडी को जिसका उसकी गर्लफ्रेंड बेदर्दी के साथ ब्रेकअप हो रहा होता है दरअसल करम कांडी का बाबूराव इतना छोटा था कि वो बेदर्दी को चरम सुख का आनंद नहीं दे पा रहा था और इसी वजह से बेदर्दी उसके साथ ब्रेकअप कर लेती है फिर करम कांडी हमें बताता है कि कल की बात है बेदर्दी और मैं साथ थे और एक दूसरे को आई लव यू बोल रहे थे लेकिन अब बेदर्दी किसी और के साथ है और आज रात को वो उसके घोड़े की सवारी भी करेगी इसी दौरान वहाँ पर करम कांडी का दोस्त फफूंदी कुमार आता है जो उसे कहता है कि तू बेदर्दी को भूल जा उसे तो सिर्फ एक बड़े घोड़े वाला मिल गया इसलिए वो उसके साथ चली गई। कल को जब तू एक सुंदर सी लड़की को सेट कर लेगा तो उससे जेलिस होकर बेदर्दी फिर से तेरे पास आ जाएगी अब करम उसकी एक घटिया सी एडवाइस नहीं लेता क्योंकि फफूंदी कुमार को खुद कोई लड़की भाव नहीं देती थी और जब भी वो किसी लड़की को पटाने की कोशिश करता तो वो उसे मारकर चली जाती फिर हम देखते हैं कि करम कांडी एक आर्टिस्ट बनना चाहता था लेकिन जब भी वो अपनी आर्ट क्लास में होता तो वो सिर्फ बेदर्दी की ही ड्राइंग बनाने लगता क्योंकि वो उसे बहुत मिस कर रहा था और उसे दिन रात सिर्फ उसी की ही याद आती रहती थी फिर एक रात करम कांडी बेदर्दी को कॉल करता है और उसे पूछता है कि क्या तुम मेरे पास वापस आना चाहोगी लेकिन बेदर्दी उसे मना कर देती है और उसे चूतिया बोलकर फोन काट देती है अब उसके इस रिजेक्शन से करम कांडी सदमे में चला जाता है और दिन रात सिर्फ अपने बिस्तर पर ही पड़ा रहता है बेदर्दी के ना होने पर उसे ऐसा लगने लगा था कि उसने टट्टी तो कर ली है, लेकिन पिछवाड़ा धोने के लिए उसके पास पानी ही नहीं है अब धीरे धीरे करम कांडी को नींद आना भी बंद होने लग गई थी वो सोने की बहुत कोशिश करता लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी उसे नींद नहीं आती अब क्योंकि रात को ना सोने की वजह से उसके पास आठ घंटे एक्स्ट्रा आ गए थे तो वो टाइम पास करने के लिए अलग अलग चीजें ट्राई करने लगा लेकिन इस सब के बावजूद भी ना तो उसका टाइम पास होता और ना ही वो बेदर्दी के बारे में सोचना बंद करता फिर एक रात जब करम कांडी को सामान लेने के लिए ग्रोसरी स्टोर जाता है तो वहाँ पर उसे एक नोटिस दिखाई देता है जिसमें लिखा था की उन्हें नाइट शिफ्ट में काम करने के लिए एम्प्लॉयज की जरूरत है अब क्योंकि करम कांडी के पास रात के आठ घंटे एक्स्ट्रा थे इसलिए वो अपना टाइम पास करने के लिए वहां पर इंटरव्यू दे देता है और उसकी वहां पर जॉब भी लग जाती है फिर अगले दिन जब करम कांडी काम करने के लिए स्टोर पर जाता है, बजाना था। फिर काम करते वक्त करम कांडी हमें बताता है कि इस स्टोर पर टाइम बहुत धीरे धीरे जाता है इसलिए इसको जल्दी बिताने के लिए हम इम्प्लॉय अलग अलग चीजें करते हैं जैसे जालिम जहरीली कभी भी टाइम नहीं देखती क्योंकि जब भी वो घड़ी देखती है तो टाइम बहुत धीरे धीरे बीतने लगता है इसलिए वो हमेशा उसे कवर कर देती है वहीं स्टोर में दो और हरामी भी काम करते हैं जिनके नाम थे बबलू भैंड और गुड्डू गंडमरा। ये दोनों रात भर स्टोर में सिर्फ बकचोदियां करते रहते हैं जैसे कि स्टोर में रेस लगाना और कभी कभी लड़कियों के सामान में कुछ एक्स्ट्रा आइटम रख देना जिससे उनको वो सामान लेना ही पड़ता था और इन्हीं सभी तरीकों से वो लोग भी अपना टाइम पास करते थे लेकिन करम कांडी बताता है कि मेरा तरीका कुछ अलग है दरअसल जब करम कांडी का ब्रेकअप हुआ तो उसके लिए टाइम बिताना बहुत ही मुश्किल हो गया था इसलिए उसके पास एक सुपर पावर आ गई थी जिसकी मदद से वो टाइम को स्टॉप कर सकता था अब करमकांडी हर रोज टाइम को स्टॉप करके पूरे सुपरमार्केट में घूमने लगता और वहां पर आई हुई सारी ब्यूटीफुल लड़कियों को देखने लगता करम कांडी हमें बताता है कि जब वो छोटा था तो उसके घर पर एक बहुत ही सुंदर सी लड़की रहने आई थी वो लड़की दिन भर घर में नंगी घूमती रहती थी तो करम कांडी भी उसको देखकर बहुत एंजॉय करता था अब करम कांडी जब भी टाइम को स्टॉप करता था तो वो मॉल में सभी लड़कियों के कपड़े उतार कर उनकी नंगी पेंटिंग्स बनाने लगता था वो बताता है की कि उसने किसी नॉवल में पढ़ा था की लड़कियों को पेंटर्स के साथ अफेयर करना बहुत पसंद है फिर अपनी ठरक मिटाने के बाद करम कांडी जब टाइम को फिर से नॉर्मल करता तो वो सारा टाइम बीत जाता जिसको उसने स्टॉप किया था फिर अगले दिन करम कांडी से मिलने उसका दोस्त फफूंदी कुमार आता है फफूंदी कुमार को पता था कि करमकांडी अभी भी बेदर्दी के बारे में ही सोच रहा है इसलिए वो उसे कहता है कि तुम्हें अब बेदर्दी को भूल जाना चाहिए अब क्योंकि फफूंदी कुमार उसे यही बातें बार बार कहता रहता था इसलिए इससे परेशान होकर करम कांडी इस मूवमेंट को भी पॉज कर देता है इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फफूंदी कुमार और करम कांडी बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे वहीं जब करम कांडी की माँ कुछ लेने के लिए घर से बाहर जाती तो वो दोनों नंगी मैगजीन देख कर अपना छोटा नुनू हिलाया करते थे फिर एक दिन जब वो दोनों ऐसे ही हिला रहे थे तभी अचानक करम कांडी की माँ वापस आ जाती है और उन दोनों के खड़े नुनू को देख लेती है जिसको देखकर उसे लगने लगता है कि ये दोनों आपस में ही कुछ गलत कर रहे थे फिर टाइम वापस अनफ्रीज करने पर फफूंदी कुमार उसे कहता है कि तुम्हें कभी मेरे साथ कोठे पर चलना चाहिए अभी सुनकर करम को अपने बचपन का एक किस्सा याद आता है जिसमें उसके घर के पास चूची चौंसठ नाम की एक लड़की रहती थी जो कि दस रुपए के बदले उनको अपना घोंसला दिखाती थी वो अपने मोहल्ले में इतनी ज्यादा मशहूर थी कि उसके घोंसले को देखने के लिए उसके घर के बाहर हमेशा लड़कों की लाइन लगी रहती थी फिर अगले दिन हम देखते हैं कि पहली बार करम और जालिम जहरीली की नजरों से नजरें मिली थी वही लॉकर रूम में जालिम जहरीली को भूख लग रही थी तो वो करम का सैंडविच खा जाती है अब ये मूवमेंट करम के लिए एक रोमांटिक मूवमेंट था और वो उस मूवमेंट को जाने नहीं देना चाहता था वो उस टाइम को फ्रीज करना चाहता था लेकिन जालिम जहरीली फिर भी चली जाती है अभी से करम कांडी को काफी अच्छा लगने लगता है कि फाइनली वो बेदर्दी को भूलता जा रहा था लेकिन इसी दौरान वहां पर वो दोनों चूती आ जाते हैं तभी बबलू भैं कहता है कि आज मैंने जालिम जहरीली को डेट के लिए पूछा और उसने मुझे हाँ बोल दिया अभी सुनकर कर्म कांडी सैड हो जाता है और हमें बताने लगता है कि हमेशा उसके साथ ये सब चीजें होती रहती हैं। वो जिस भी लड़की को लाइक करता है वो उसे छोड़कर चली जाती है फिर हमें दिखाया जाता है कि जब वो छोटा था तो वो अपनी टीचर को लाइक करता था लेकिन टीचर के साथ तो वो घचा घच गच नहीं कर सकता था इसलिए वो अपनी एक क्लासमेट चुस्की को लाइक करने लगा फिर एक दिन चुस्की का एक्सीडेंट हो गया जिस वजह से उसका एक हाथ टूट गया था फिर सभी क्लासमेट्स ने उसके प्लास्टर पर सिग्नेचर किए थे लेकिन करमकांडी वहीं दूर बैठा उसे सिर्फ देखता रहता था फिर एक दिन चुस्की खुद ही करमकांडी के पास आई और उसने करमकांडी को उसके प्लास्टर पर साइन करने को कहा फिर एक दिन जब चुस्की का प्लास्टर उतरा तो उसका पूरा हाथ बालों से भर गया था अब ये देखकर सभी उसका मजाक उड़ाने लगे जिस वजह से चुस्की अकेली पड़ गई तभी करम उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुम जैसी भी हो बहुत खूबसूरत हो अभी सुनकर चुस्की को बहुत अच्छा लगता है जिसके बाद से वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं फिर एक दिन करम कांडी उसे स्कूल के पीछे बुलाता है तभी चुस्की वहाँ पर आती है और उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ गचा गच करना चाहते हो कर्म कांडी कहता है कि हाँ लेकिन आज नहीं कल मुझे तुम फिर से यहाँ पर मिलना क्योंकि कल स्कूल की छुट्टी है और यहाँ पर कोई नहीं होगा फिर अगले दिन करम कांडी वहाँ पर आकर उसका वेट करने लगता है लेकिन वो वहाँ पर नहीं आती फिर बाद में उसे पता चलता है कि उस लड़की का तो ट्रांसफर हो गया है फिर अगले दिन जब करम कांडी स्टोर पर जाता है तो वहाँ पर बबलू बहन और गुड्डू गंडमरा आपस में बातें कर रहे होते हैं फिर बबलू बहनचो उसे बताने लगता है की कल रात मैंने जालिम जहरीली की दबा कर ली अब ये बात सुनकर कर्म कांडी का तो दिल ही टूट जाता है लेकिन तभी वहाँ पर उनका मैनेजर जॉनी भैया आता है जो उनको कहता है, कि मैंने अपने दोस्त के साथ एक लगाई है और अब हमें उनकी टीम के साथ एक फुटबॉल मैच खेलना है फिर शाम को वो सभी फुटबॉल मैच खेलने के लिए जाते हैं लेकिन उनमें से किसी को भी फुटबॉल खेलना नहीं आता था इसलिए वो बुरी तरह से हार रहे थे अभी सबसे कर्म कांडी बोर होने लग जाता है इसलिए वो टाइम को स्टॉप करके इधर उधर घूमने लगता है फिर जब वो कुछ लेने के लिए कैफे में जाता है तो वो वहां पर एक आदमी को देखता है जो अनफ्रीज होकर वहां से भाग जाता है फिर जब करम घूम फिर कर टाइम को फिर से नॉर्मल करता है उसी दौरान बबलू बहन बॉल को इतनी जोर से हिट करता है कि उससे लगकर जॉनी भैया का नाक टूट जाता है अब बबलू बहनचो उसे हॉस्पिटल ले जाने लगता है जिस दौरान वो करम कांडी को कहता है कि जालिम जहरीली को घर छोड़ देना अब घर जाने से पहले करम कांडी और जालिम जहरीली एक कैफे में जाते हैं जिस दौरान करम कांडी उससे पूछता है कि क्या तुम और बबलू बहनचो डेट कर रहे हो इस पर जालिम जहरीली कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है हम दोनों तो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और मैं उसके साथ मूवी देखने सिर्फ एज ए फ्रेंड गई थी अभी सुनकर करम कांडी खुश हो जाता है जिसके बाद वो दोनों कुछ देर तक तो बक्चौिया करते हैं और फिर करम कांडी जालिम जहरीली को उसके घर छोड़ देता है अब जाने से पहले ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं लेकिन वो ढंग से कर नहीं पाते फिर अगले दिन जॉनी भैया सभी को बुलाकर कहता है कि उसका बर्थडे आने वाला है तो सभी को उसके घर पर पार्टी में आना होगा वही जालिम जहरीली करम कांडी से पूछती है कि क्या तुम उस रात मेरे साथ चलोगे जिस पर करम कांडी उसे हाँ कर देता है इसके बाद मैनेजर सभी लड़कों को बुलाता है और कहता है कि बर्थडे पार्टी में एक स्ट्रीपर भी होनी चाहिए जिसका इंतजाम वो करम कांडी को करने के लिए कहता है अब करमकांडी कांडी को पता नहीं था कि वो इसका इंतजाम कैसे करेगा इसलिए वो इस काम के लिए फफूंदी कुमार की हेल्प लेता है अब फफूंदी कुमार तो एक नंबर का रट्टिबा था इसलिए वो उसे एक पब में लेकर जाता है फिर वो वहाँ पर एक लड़की से बात करते हैं लेकिन वो लड़की कहती है कि उस रात को तो मैं बिजी हूँ लेकिन मैं वहाँ पर मेरी एक फ्रेंड को भेज दूंगी अब कल रात के बाद करम कांडी को हर जगह सिर्फ जालिम जहरीली ही दिखाई दे रही थी अब करम कांडी जब भी टाइम को स्टॉप करता वो सिर्फ उसी की ही ड्राइंग बनाता फिर कल रात जॉनी भैया का बर्थडे था तो जालिम जहरीली करम कांडी से पूछती है कि क्या तुम अभी भी मेरे साथ चलना चाहोगे इस पर करमकांडी कांडी बोलता है कि हाँ बिल्कुल मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ अभी सुनकर जालिम झरीली खुश हो जाती है और उसे किस करके वहाँ से चली जाती है उसी रात हम देखते हैं कि जिस करम कांडी को इतने दिनों से नींद नहीं आई थी वो अगली सुबह अच्छे से सोकर उठा था फिर उठने के बाद उसे एक आर्ट गैलरी से कॉल आता है जो उसे कहते हैं कि हमें तुम्हारी बनाई हुई ड्रॉइंगस बहुत पसंद आई हैं, इसलिए तुम हमसे मिलने आओ अभी सुनकर करमकांडी कांडी बहुत खुश हो जाता है लेकिन तभी दूसरी तरफ हम बबलू बहन चोर गुड्डू गंडमरे को देखते हैं जो सिर्फ करमकांडी कांडी के मजे ले रहे थे फिर रात को करम कांडी अच्छे से तैयार होकर जालिम जहरीली के घर पर जाता है और उसे उस आर्ट गैलरी से आए हुए कॉल के बारे में भी बता देता है जिसको सुनकर जालिम जहरीली को भी बहुत अच्छा लगता है इसके बाद वो दोनों उस पार्टी में जाते हैं लेकिन तभी करम कांडी वहाँ पर बेदर्दी को देखता है फिर कुछ देर बाद वहां पर वो स्टिपर भी आ जाती है और ये वही चूची चौसठ थी जो कि बचपन में दस दस रुपए में सभी को अपना घोंसला दिखाती थी इसके बाद करम कांडी मूतने के लिए जब वॉशरूम में जाता है तो उसे वहां पर बेदर्दी मिलती है अब बेदर्दी को कर्म कांडी और जालिम जहरीली को साथ में देखकर जलन हो रही थी इसलिए वो कर्म कांडी से पूछती है कि क्या मैं फिर से तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ लेकिन अब करम कांडी को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था इसलिए वो उसे मना कर देता है वहीं नीचे हम जॉनी भैया को देखते हैं जो कि जालिम जहरीली को चूसने की कोशिश करने लगता है लेकिन जालिम जहरीली को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए वो यहां से जाने लगती है फिर वो जैसे ही करम कांडी को लेने के लिए ऊपर जाती है तभी वो देखती है कि बेदर्दी करमकांडी को दबाकर चूस रही है अभी देखकर जालिम जहरीली गुस्सा हो जाती है और वहां से जाने लगती है लेकिन तभी करम कांडी टाइम को स्टॉप कर देता है और सोचने लगता है कि वो जालिम जहरीली को क्या बोलेगा लेकिन वो कुछ सोच नहीं पाता फिर वो टाइम को वापस अनपॉज करता है लेकिन तब भी वो जालिम जहरीली को मना नहीं पाता फिर वो उसको मनाने के लिए उसके घर पहुंच जाता है लेकिन जालिम जहरीली उसकी एक नहीं सुनती और उसे गालियां देकर वहां से भगा देती है अब इस इंसिडेंट की वजह से करम कांडी का दिल टूट जाता है और उसे फिर से नींद आना बंद हो जाती है फिर एक दिन करम कांडी अपना सारा आर्ट लेकर उसी गैलरी में पहुंच जाता है जहाँ से कुछ दिनों पहले उसे कॉल आया था अब वहाँ पहुंचकर जब वो वहाँ के मैनेजर से बात करता है तो उसे पता चलता है की वहाँ से तो उसे कोई कॉल आया ही नहीं था लेकिन इसी दौरान वो मैनेजर उसकी देख लेता है जो उसे बहुत पसंद आती है इसलिए वो करम कांडी को एक मौका देता है जिसमे उसका एक आर्ट शो होने वाला था फिर कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि कर्म कांडी का वो आर्ट शो होता है जहाँ पर वो सिर्फ जालिम जहरीली की ही पेंटिंग्स लगाता है उसी आर्ट शो में करम कांडी को एक एजेंट भी मिलती है जो उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी ड्राइंग्स बहुत पसंद आई वो एजेंट न्यूयॉर्क से थी तो वो करम कांडी को भी न्यूयॉर्क में एक शो करने का ऑफर देती है इसी दौरान करम कांडी वहां पर जालिम जहरीली को देखता है जो उसका शो देखने के लिए वहां पर आई हुई थी अब अपनी इतनी अच्छी देखकर जालिम जहरीली खुश हो जाती है और वो करम कांडी को माफ कर देती है फिर करम उसके पास आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो जालिम जहरीली कहती है कि हाँ मैं तुम पर ट्रस्ट करती हूँ तभी करम कांडी उसे आंखें बंद करने को कहता है जिसके बाद वो उसे किस करता है और टाइम को वहीं पर स्टॉप कर देता है अब जब टाइम स्टॉप हो गया था तो करम कांडी के साथ अब जालिम जहरीली भी वहां पर घूम सकती थी फिर करम कांडी उसे बाहर लेकर जाता है बाहर बर्फ गिर रही थी जिसके बीच वो दोनों खड़े होकर एक दूसरे को किस करने लगते हैं और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है